देखिए, हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए थे जनवरी में, भी आज भी उसी लड़ाई पे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमने स्पोर्ट्स में अभी तक जो चीजें की है स्पोर्ट्स में की है, मेहनत की है, ना कि पॉलिटिक्स। हमें नहीं पता था कि लोग बातें ज्यादा करते काम कम करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ वही हुआ कि जो फेरबदल किया गया, जो बातें बताई वो कोई उन पे अमल नहीं हुआ, दोबारा से WFI रन कर रही है। तो वो चीजें खिलाड़ियों के लिए, हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? खेल के लिए लड़ रहे हैं, खेल को बचाने के। अगर वही इंसान दोबारा से खेल में आ रहा है, पूरी चीजें चला रहा है, तो कहाँ से खिलाड़ियों को न्याय मिल गया? जब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी, और उसके बाद उनके सोर्सेज बोल रहे कि खिलाड़ियों के पास सबूत नहीं है। अभी कंप्लेंट करे हुए 48 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि FIR नहीं कर रहे, अब FIR कर रहे हैं, कंप्लेंट की है तो FIR नहीं कर रहे। सर, आप लोग जो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रहे हो रंजन जी के खिलाफ, वो क्या, इसमें कोई कतई कोई सच्चाई नहीं है, इसको क्या कहेंगे? कौन बोल रहा है इसमें सच्चाई नहीं है? बिल्कुल, 7 लड़कियों ने जो आपको पता है ताकतवर है, बाहुबली भी है, 7 लड़कियों ने, बहन बेटियों ने जो हिम्मत दिखाई है, किसी ने आज तक दिखाई थी? और उसके उनके ऊपर तो पहले भी 84 मुकदमे हैं, आप उनका तो पहले ही रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। वो उस आदमी की आपने मान ली कि भाई ये तो सब मेरे साथ वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर तो 84 मुकदमे हमने ही किए थे, वो भी तो पहले ही है ना, कुछ किया होगा तभी तो होंगे। और साइड कमेटी में जब बयान हुए, जब 15 लड़कियों ने बयान दिए थे, तो वो भी फेक थी सब। तो यही चीजें हैं। आप सभी खिलाड़ियों से बोल रहे कि भाई आपके पास सबूत नहीं था, आपने कभी ब्रिजभूषण से पूछा कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि आपने नहीं किया? आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लोग एक स्टेट के, एक परिवार के लोग ही धरने पे बैठे हो। देखो, कौन सा परिवार है? रेसलिंग, जितने भी रेसलर सब एक परिवार है। और किस स्टेट की बात कर रहे हो? अभी हम स्टार्टिंग में बैठे तब भी हम 8-10 आदमी बैठे थे, हम नहीं चाहते थे खिलाड़ी की ट्रेनिंग खराब हो। जब उन्होंने बोला कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे पास है, अगले दिन आप लोगों ने देखा था यहाँ कितने लोग इकट्ठे हुए थे, और यूपी से भी आए थे, पंजाब से भी आए थे। तो हम नहीं चाहते कि अब हम इकट्ठा करें या भाई हम दिखाएं कि भाई ये यूपी से है, ये हरियाणा से है, ये पंजाब से है, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, कहीं से भी है। हम चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी की ट्रेनिंग खराब ना हो। और अब बात रही कि भाई एक स्टेट की, एक परिवार की है, परिवार तो कुश्ती का एक ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो किसी गेम में अगर हम इकट्ठे होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो परिवार की तरह रहते हैं अखाड़े में। और जब हम मेडल जीतते हैं तब तो ये नहीं बोलते कि ये हरियाणा से हैं, तब तो ये बोलते कि ये देश के हैं। अब जब बात हक की आ गई तो ये हरियाणा से हो गए, एक कम्युनिटी से हो गए। तो ये चीजें है ना, वो पॉलिटिकल आदमी है उसको ये शोभा देती है, लेकिन हमें ये शोभा नहीं देती कि हम हरियाणा से हैं या हम एक कम्युनिटी से हैं। खिलाड़ी देश का होता है। और रही बात हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो आज आप देख लीजिए कि कितना देश यहाँ पे आके इकट्ठा होगा, कितने लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे। तो वो चीजें हम नहीं चाहते थे। पहले हमने भी राजनीति से दूर रहे कि भाई हम राजनीति नहीं करना चाहते इस चीज में, हम किसी भी राजनीति पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहते। हमने लास्ट टाइम देखा था वृंदा कराट आए थे, आपने उनको मना किया था कि नहीं, हम इस मंच को राजनीतिकरण नहीं करेंगे, क्या इस बार कोई? अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम देश से जुड़े हुए हैं। सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप लोग दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कल से लेकर आज तक कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई उनका? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तो पहले ही हमारे साथ जो चीजें थी कि आप लोगों की ये बात है, ये बात है, हम मानेंगे, ये करेंगे, हमें पता है, हम ये करेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या भरोसा करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे? कब तक बैठे रहोगे आप? जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहीं बैठे। थैंक यू। ओके।